नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। शायद ही बैंक निफ्टी में इससे कमजोर स्टॉक अभी फिलहाल देखने को मिलेगा। बहुत ही मजबूत क्वालिटी का हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक के रूप में ये स्टॉक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज देखें तो आज भी इस स्टॉक ने वीकनेस जबरदस्त तरीके से शो की है। आज के दिन भी यहाँ पे लगभग 1.8% के आसपास की गिरावट रही। मार्केट में सुबह से कमजोरी देखने को मिल रही थी और इस स्टॉक ने कमजोरी में इसने भी लीड किया। कहीं ना कहीं बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने मिल रही थी, लेकिन इस स्टॉक में कहीं पे भी कोई सपोर्ट खास देखने को नहीं मिला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 1750 रुपए का, जिसकी हम चार्ट में बात करेंगे कि जो कि अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या ये स्टॉक एक फिर से 1650 रुपए या उसके लेवल को तोड़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है? तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम, जो बहुत बड़ी चीज है, 82,63,000 शेयर आज एक्सपायरी के दिन था। बड़े वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बिकवाली होती हुई दिखाई दे, छोटे मोटे वॉल्यूम नहीं है। सुबह से ही ये स्टॉक में प्रेशर था और उसके बाद दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास जाके कहीं ना कहीं स्टॉक बंद हुआ। 1729 रुपए के आसपास का दिन का लो था, 1733 के पास एग्जिस्टेड क्लोजिंग आती हुई दिखाई दिए। स्टॉक ने 2064 का 52 वीक हाई लगाया था, वहां से अगर आप देखें तो 52 वीक लो के आसपास कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। 1643 रुपए का इस स्टॉक का 52 वीक लो है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न चलता हुआ दिख रहा है वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इनके एमडी और सीईओ को लेके जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज जो है अभी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक इस स्टॉक में कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन या रैली की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि मिस्टर उदय कोटक साहब ने इनको कई सालों से बना के रखा है बैंक को, तो उनका नाम जब खत्म हुआ और उनके बाद अब कोई नया व्यक्ति आने वाला है तो वो कौन हो सकता है आखिर? और क्या वो भी उसी तरीके से इस बैंक को चला पाएगा? क्या बैंक उसी तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाएगा? इस टाइप के जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है और आपको देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक में एक बड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर आप ईपीएस देख रहे हैं 82 रुपीज के आसपास की और 21 के पी के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं अपने हिस्टोरिकल लोअर वैल्यूएशन के आसपास अगर हम बात कर रहे हैं ये स्टॉक चलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जो पी रेशियो है वो वैल्यूएशन को दर्शाता है। और 21 के पीए में आपने इसको पहले शायद कभी नहीं देखा होगा, जो कि फिलहाल अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी आप देख रहे हैं सिर्फ 3 के आसपास की, जो कहने के 4 साढ़े 4 5 की रेंज में पहले हुआ करती थी। मार्केट कैप है 3,44,000 करोड़ का। बहुत सारे बिजनेसेस है इसके अंदर, जिसकी हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी कि ये बैंक एक है लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। एएमसी बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस है और भी बहुत सारे बिजनेस इसके अंदर आते हैं। तो सबकी कंबाइंड वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हैं 3,44,000 करोड़, तो आगे चल के अगर कोई डिमर्जर, स्टॉक स्प्लिट, बोनस अगर इस टाइप की कोई चीज आती है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए एक रिवाइवल के संकेत हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अगले महीने जब इसके Q1 के नतीजे या Q2 के जब नतीजे हैं वो आते हुए दिखाई देंगे तो किस तरीके के नतीजे रहेंगे और नतीजों में क्या इनके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज निकल के आएगा इन्वेस्टर्स के लिए, जो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए आगे चल के एक रिवाइवल संकेत दे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपके लिए निराशा आपको साफ देखने मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की तो आप देख सकते हैं ये आवरली चार्ट आपके सामने, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 200 दिन की एवरेज लाइन जो है उसके नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो कि लगभग 1750 के आसपास का था, उसको भी स्टॉक ने तोड़ा पहले ही घंटे, 1-2 घंटे के अंदर में, और उसका दिन भर उसके नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता, हमने देखा था 21 अगस्त को भी एक बार 1750 के आसपास के लेवल देखने मिले थे और उसके बाद एक रिवाइवल देखने मिला था और लगभग 1830 1835 तक के हाईस जो थे कोटक बैंक ने रिकवरी में लगाए थे। जब निफ्टी रिकवर होने की कोशिश करके नया हाई लगा रहा था तब भी इस स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली थी, थोड़ी बहुत नीचे से बाउंस जरूर देखने मिला था, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर से थोड़ा भी रिवर्स हुआ इसने तेजी से अपनी गिरावट बढ़ाई और अपने पुराने लेवल जो सपोर्ट थे उसको भी तोड़ दिया है। अब डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप देख सकते हैं जिसकी हमने पहले ही बात की थी कि स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो रेंज जो है कहने के अपर साइड में 1950 1970 और लोअर साइड में 1650 रुपए के आसपास की है, जहां पे लगभग 3 बार इस स्टॉक ने बॉटम बनाया 1650 के आसपास में। एक बार बनाया था 30 जुलाई 2021 के आसपास, दूसरी बार बॉटम बना था लगभग 30 जून 2022 और उसके बाद जो बॉटम बना था 15 मार्च 2023 के आसपास। तो 3 बार यहाँ पे बॉटम बना के स्टॉक ने बाउंस किया, लेकिन रेजिस्टेंस जो लगा वो लगभग 1970 1980 के रेंज में लगता हुआ दिखाई दिया था
और अगर आप देख रहे हैं कि एक पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए थे उसके बाद से इस स्टॉक में करेक्शन चालू हुआ है, एक के बाद एक ये स्टॉक में लगातार गिरावट बढ़ रही है और आज के दिन फाइनली एक ब्रेकडाउन इसमें आपको साफ चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जो कि 1750 के नीचे आज 1733 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार फिर से डाउन ट्रेंड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको इसमें 1700 से 1650 तक के लेवल देखने को मिल जाए। अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन सेलिंग प्रेशर बना रहता है तो आपको यहाँ पे थोड़े डाउनसाइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1700 1650 रुपए के आसपास आने के बाद फिर से रिव्यू करना होगा कि क्या वहां पे स्टॉक ठहरेगा नहीं ठहरेगा, क्योंकि अगर इस बार अगर 1650 रुपए का लेवल स्टॉक तोड़ देता है तो लंबे समय के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर वो 1650 का लेवल तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक फिर 1500 1550 की रेंज में जाने को तैयार होगा। अब इतना ज्यादा बेरिशनेस होना तो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा बेरिश हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डाउन साइड में बनता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक का रिवाइवल सिर्फ एक ही संकेत पे हो सकता है, जब इसमें कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाए या फिर कोई स्टॉक स्प्लिट बोनस या फिर कंपनी के जो मैनेजमेंट सीईओ के जो नए ऐलान है जो कि आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले क्वार्टर के नतीजों के साथ साथ या फिर उसके आसपास, तो वो खबर होगी। उसके पहले हो सकता है बड़े प्लेयर्स जो है इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और खासकर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, FIS के पास इसकी बहुत बड़ी चंक जो है वो पड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ अभी एक चीज और निकल के आ रही है कि जैसे कि भारत और कनाडा के रिश्तों में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि थोड़े इधर उधर चीजें होती हुई दिख रही है, तो FIS की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कनाडा पेंशन फंड जो है उनके पास यहाँ पे एक बड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है FIS के रूप में। अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 2.68% का जो हिस्सा है वो कनाडा पेंशन फंड के पास है, और मैक्सिमम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये पेंशन फंड जो है वो स्टॉक सेल कर सकता है अपना, और उस कंडीशन में एक बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। तो दोस्तों 2-2.5% कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, अगर ये पेंशन फंड बेचने आएगा भी तो उस सप्लाई को तुरंत एब्जॉर्ब कर भी लिया जाएगा। हो सकता है 20-30 रुपए 40 रुपए का करेक्शन उसके चक्कर में आपको देखने मिल जाए, लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है डेफिनेटली और ये समझ के चल रहा है कि ये स्टॉक का कुछ बुरा नहीं हो सकता और आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, बिजनेस जबरदस्त है और ये बैंक उसी तरीके से ग्रोथ करेगा जिस तरीके से ये आज तक ग्रोथ करता हुआ आया है, तो फिर एक अच्छा मौका है फॉर लॉन्ग टर्म नजरिए से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। हालांकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की कोई राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये एनालिसिस है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।